वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ये फ्रिज का एक डिफ्रोस्ट टाइमर है जिसमें दिक्कत आने पर, यानी फ्रिज में अगर कूलिंग में कोई दिक्कत है तो उसको चेक करना होता है। अब इसको चेक करने के बारे में मेरे कुछ मकैनिक दोस्त नहीं जानते, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको इसको कैसे चेक करना है, मल्टीमीटर के द्वारा भी और एसी के द्वारा भी, यानी बिजली के द्वारा भी। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताऊँगा और किस तरह कार्य करता है वो बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, टाइमर में हमेशा आपको चार पिन मिलेंगी, 1, 2, 3, 4। तो इसमें एक नंबर न्यूट्रल और 3 नंबर फेस होती है, हमेशा याद रखना, 1 नंबर न्यूट्रल और 3 नंबर फेस। अब इसका काम क्या है आपको बताता हूँ कि लगभग 8 घंटे कंप्रेसर चलाएगा और 8 घंटे कंप्रेसर चलाने के बाद उसको बंद करके कर देगा और फिर आधा घंटा आपका हीटर चलाएगा और आधा घंटा हीटर चलाने के बाद में फिर वापस कंप्रेसर पे पहुंचेगा 8 घंटे के लिए। वो काम होगा जो इसके अंदर एक टाइमर बनाया हुआ है कुछ गराजियों के द्वारा, एक मोटर के द्वारा, जो आपको मेन एसी देने के बाद में ऑटोमेटिक चलेगा। फिलहाल मैं आपको हाथ से चला के दिखा रहा हूँ। देखिए, आपको आवाज़ आ रही होगी। जो कंटिन्यू टिक 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 की आवाज़ आ रही है, जब तक ये रहेगा, जब तक आपका कंप्रेसर चलेगा, और जैसे ये डबल आवाज़ आती है ट्रिप की, सुनिए ये, यहाँ आने के बाद में आपका आधा घंटे के लिए हीटर चलेगा। तो अगर आपका कूलिंग में कोई गड़बड़ है, डिफ्रोस्ट नहीं हो रहा है फ्रिज, तो आप इसे चेक करेंगे। अब उसको चेक कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, मल्टीमीटर के द्वारा चेक करना मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अपने मल्टीमीटर को आपको बजर मोड पे करना है। बजर मोड पे करने के बाद में अभी मैंने आपको बताया था कि ये पिन आपकी न्यूट्रल रहेगी और पिन नंबर 3 आपकी फेस रहेगी। तो एक बार ही हम बीच वाली पिन में हम अपनी मीटर की एक पिन को, प्रोब को लगाते हैं और जब ये बराबर, जिस वक्त ये बराबर बराबर चल रही है, उस वक्त कहाँ कंटिन्यूटी है वो देखते हैं। ये देखिए, पिन नंबर 4। अब ये टिक 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 वाली जो आवाज़ है आपके टाइमर की, वो लंबे टाइम है, तो ये आपका कंप्रेशर हुआ। अब ये कुछ देर एक क्षण के लिए डबल ट्रिप मारेगा, उस वक्त आपका कंप्रेसर बंद होगा और हीटर पर पहुंच जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये जो प्रक्रिया रहेगी आधा घंटा रहेगा। मैं हाथ से घुमा रहा हूँ तो प्रॉपर नहीं घूमता, लेकिन इसके अंदर जो मोटर और गाड़ी सिस्टम है जो मेन एसी के द्वारा घूमेगा, तो वो प्रॉपर घूमेगा। अब देखिए, यहाँ से आपका कंप्रेसर बंद हो गया, अब हीटर पर आ गया। अब कंप्रेसर बंद है, अब हीटर पर आ गया। अब मैं फिर यहाँ लगाता हूँ और हीटर से हटाता हूँ। ये देखिए, अब फिर कंप्रेसर पे आ गया। इसी तरह हम इसे मेन एसी पे भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग एसी के द्वारा दिखाता हूँ, क्योंकि एसी से टेस्ट करना भी ज़रूरी है। हो सकता है आपकी टाइमर में जो मोटर लगी हुई है वो वर्क ना कर रही हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक बल्ब लेंगे और बल्ब लेकर के एक सिंगल डोरी लेंगे और सिंगल डोरी से आप क्या करेंगे, दोनों का एक तार यहाँ लगाएंगे और जो पिन हमारी न्यूट्रल की है उस पर लगा देंगे। और आपके बल्ब का एक तार रह गया, अब आप फेस देंगे इसकी पिन नंबर 3 को। अब हमने इसकी पिन नंबर 3 को फेस दिया। काम सावधानी से करना है दोस्तों, क्योंकि आप एसी में कर रहे हो, आपको शॉक लग सकता है, तो बड़े ध्यान से करना है। ये देखिए, मैंने लगा दिया। अब मैं इसको एसी में इन करता हूँ।
एसी में इन करने के बाद में आपको देखना है कि किस पिन पे आपकी जहाँ ये ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, यानी लंबा टाइम ले रही थी किट 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 करने का आपकी गरारी, तो उस टाइम आपकी किस पिन पर करंट रहेगा। मैंने आपको बताया था कि आपकी पिन नंबर 4 कंप्रेसर की पिन है, तो ज़्यादा टाइम रहती है, यानी 8 घंटे का टाइम रहता है तो आपका ये कंप्रेसर पिन है। और कुछ क्षण देखिए, ये कंप्रेसर पिन है आपकी, यहाँ नहीं है। अब वो जो आपकी डबल ट्रिप कर रही थी, ये देखिए मैं हाथ से ही घुमा दे रहा हूँ, ये जो आवाज़ कर रही थी ये टाइम आपका रहेगा आपके हीटर का। वो ज़्यादा घूम गई, सॉरी। ये देखिए अब यहाँ से करंट गया आपके हीटर पे आ गया, अब ये टाइम रहेगा आपका आधा घंटा। यानी मैन्युअली घुमाने से जैसी डबल आवाज़ आती है, डबल पत्ती ज़्यादा आवाज़ आती है, तो वो आपका हीटर का है। और ये जो आपकी बराबर लंबा टाइम टिक 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 की आवाज़ आती है, ये आपके कंप्रेसर का टाइम है, अब आपके हीटर पे नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।